टाइनी टाइट्स कॉलेज में आज वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय 14 वर्ष के बच्चों को सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो कि जूनियर वर्ग को दिया गया था। इस विषय पर बोलने वाले छात्र छात्राएं स्नेह कुमारी, दीपा गुप्ता, वंशिका, दृष्टि चौहान, प्रिया सिंह, रचना दुबे आदि छात्र छात्राएं रहीं। अपने विचार पक्ष एवं विपक्ष में रखे तथा उपरोक्त विषय पर छात्र छात्राओं ने अपने विचारों को खुलकर सबके सामने तर्क वितर्क के साथ रखा। सीनियर वर्ग में छात्र एवं छात्राओं को अपने विचार रखने के लिए विषय धर्म पर आध्यात्मिक विश्वास ही अंधविश्वास को जन्म देता है दिया गया था, जिस पर बोलने वाले छात्र एवं छात्राएं कान्या इस्लाम, प्रदीप कुमार, प्रेरणा सैनी, ईसा परवीन, पीयूष कुमार, अलीना इकबाल, रितु ठाकुर आदि छात्र छात्राएं रहे। छात्र छात्राओं ने अपने विचार पक्ष एवं विपक्ष में तर्क वितर्क के साथ रखे। एमएच डिग्री कॉलेज में श्रीमती डॉक्टर मीना कौल तथा महाराजा पब्लिक स्कूल में श्रीमती डॉक्टर किरण गर्ग निर्णायक मंडल की सदस्य रही। इस अवसर पर कॉलेज की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती एस परदी भी उपस्थित रही तथा कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती डॉक्टर इंदु परिधि जी ने भी अपने विचार रखे तथा बच्चों का मार्गदर्शन किया और बाहर से आए मेहमानों का धन्यवाद। होंगे या अड्डा होंगे तो जो आपका साथी बोल कर गया है, आप उसकी में से भी कोई बात निकाल कर अपनी बात को तर्क के रूप में रख सके। इसलिए सब बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट और घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना और ये समझ लेना कि जैसे उधर वो आपकी मैम बैठी है ना, ऐसे हम दोनों भी आपकी मैम है, हम आपके हार्दिक का ऐसा करने के लिए आपको और इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होने के लिए इस बात यही कहूंगा कि उनसे यह हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा मिली है और मिलेगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता में जूनियर ग्रुप को हम पहले लेंगे। जूनियर ग्रुप के लिए आज का वाद विवाद का विषय है 14 वर्ष तक के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। 14 वर्ष तक के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो जहां तक इससे संबंधित बात है तो ये बच्चे पक्ष में और विपक्ष में अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और अपने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए ये थोड़ी बहुत तैयारी करके आए हैं। बाकी तो निर्णायक मंडल पर निर्भर करता है कि वो किस बच्चे को अच्छा और किस बच्चे को ज्यादा अच्छा मानते हैं। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सृष्टि चौहान जूनियर वर्ग, रीनू ठाकुर सीनियर वर्ग, द्वितीय स्थान स्नेहा जूनियर वर्ग, प्रदीप कुमार सीनियर वर्ग, तृतीय स्थान दीपा गुप्ता, ईशाना गुप्ता, रचना दुबे जूनियर वर्ग तथा प्रेरणा सैनी, अलीना इकबाल सीनियर वर्ग ने प्राप्त किया। इस कार्यक्रम के आयोजक में मिस ज्योति यादव, श्रीमती किरण त्यागी, श्रीमती नीना सिन्हा, श्रीमती रीनू भटनागर का विशेष सहयोग रहा। नमस्कार, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक एवं मेरे प्रिय सहपाठी, मैं कक्षा 8 की छात्रा आज आप सबके सामने इस वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर अपनी विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं। मेरा विषय है 14 वर्ष के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मैं इसे विपक्ष के विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वर्तमान युग के बच्चों के विकास के लिए सोशल मीडिया का उपयोग पूर्ण रूप से सहायक है। सोशल मीडिया बच्चों की साक्षरता बढ़ाने में पूर्ण भूमिका निभाता है। अब मैं आप सबको यह बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया कैसे है फायदेमंद। फेसबुक जैसा आधुनिक साइट है जिसे बच्चे बूढ़े हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, वो जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है। इसलिए कार्यप्रणाली और इसके इस्तेमाल करने के तरीके को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि गुरुदेव का ध्यान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करके हृदय में दिव्य दृष्टि को पूरी कर देता है, उसी तरह सोशल मीडिया भी बच्चों के अंदर ज्ञान प्रेरित करता है। सोशल मीडिया बच्चों का ज्ञान घटाता नहीं है बल्कि बढ़ाता है। जैसे कि टीवी को पढ़ाना हो, घरेलू सामान मंगाना हो आदि सब सोशल
लोग कहते हैं अक्सर बदलता है जमाना, लोग कहते हैं अक्सर बदलता है जमाना। विज्ञान वह है जो जमाने को बदल दे, विज्ञान वह है जो जमाने को बदल दे। परीक्षा के बच्चों ने मीडिया को विज्ञान के द्वारा खोज निकाला है, जैसा कि मैं और आप सब जानते हैं। तू खुद ही खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू खुद ही खोज में निकल तो किस लिए हताश है। समय की तलाश है, बना ले इनको शत्रु, बना ले इनको शत्रु। ये दशा पापियों का हक नहीं, जलाते भस्म करने जो तेरी प्रगति को रोक रहा है। समय बीतने के साथ साथ इसकी गति और तेज होती जा रही है, जैसे कि मैं आप सब जानते हैं। हालांकि इसके बढ़ने के पीछे कई कारण हैं, परंतु इसके पीछे युवाओं की भागीदारी सबसे अहम है। आज मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए और इसका इस्तेमाल करना हमारी पूर्ण जिम्मेदारी है। टेलीफोन कंप्यूटर टीवी है इनके चमत्कार, टेलीफोन कंप्यूटर टीवी है इनके चमत्कार। फ्रिज एसी कूलर बना लगाई सुविधाओं के अंबार, अंधों को आंखें मिली और बहरों को मिले कान, अंधों को आंखें मिली और बहरों को मिले कान। तेरी लीला का बखान क्या करे विज्ञान, तू है महान, तू है महान। जिसने नई सभ्यता दी है मानव की संतान को, जिसने नई सभ्यता दी है मानव की संतान को, श्रद्धा युक्त प्रणाम है मेरा उस विज्ञान महान को, उस विज्ञान महान को। जय हिंद। जिनको पानी की चाह है बहुत ज्यादा, मन है कि उसी को पानी मिल जाता है, मन है कि उसी को पानी मिल जाता है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरा ताजा प्रणाम। मैं पंचम कक्षा का आखिरी छात्र हूँ। आज इस हो रही वाद विवाद प्रतियोगिता के दिन आप सभी के समक्ष पक्ष में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है 14 वर्ष तक के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं एक प्रश्न आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि 14 वर्ष तक के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए? हाँ, मैं जानती हूँ आप लोगों के पास का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, फेसबुक और मैसेंजर जैसी चीजें बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और बच्चे इसका उपयोग करने में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा मीठा जहर है जो बच्चों को पहले तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वह जहर उनके जीवन को खोखला कर देता है और बच्चे भी इसका उपयोग करने में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन इंद्रम बच्चों की क्या गलती, क्योंकि ये सब जानते हैं कि माता पिता के कुछ गुण और अवगुण के बच्चों में आते हैं, लेकिन हाँ जरूरी नहीं है उनके माता पिता के गुण और अवगुण है उनकी संगति का भी असर होता है। अगर वे अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक और मैसेज जैसी चीजें चलाते हुए देखेंगे तो वह क्या सीखेंगे, वह भी तो यही सीखेंगे, क्योंकि एक मनुष्य की रहना उनकी संगति से होती है। हाँ मैं जानती हूँ आप लोगों को यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा कि मनुष्य की पहचान उनकी संगति से कैसे हो सकती है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर एक अच्छा बच्चा बुरे बच्चे से दोस्ती करता है तो वह भी बुरा कहला जाएगा, और अगर एक बुरा बच्चा अच्छे से दोस्ती करता है तो वह भी अच्छा कहलाएगा, चाहे वे वो कितना ही बुरा हो। सोशल मीडिया के कारण बच्चे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। वे कुछ नए नए ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं और अपने फोन की जरूरी जानकारी कुछ ऐसे लोगों तक भेज देते हैं जो उनके अकाउंट को हैक करके उनकी पैसे चोरी कर लेते हैं और लगातार में आ जाए, आज यहाँ चोरी हो गया, वहाँ चोरी हो गई, यह क्यों हो रहा है? ये सब सोशल मीडिया के कारण हो रहा है। अगर सोशल मीडिया ना हो तो किसी की चोरी ना होगी। ये जो लोग आज एक साथ बैठते हैं वे कभी अपने दिल के विचारों को आपस में नहीं बांटते, क्यों? वे हमेशा अपने फोन में लगे रहते हैं। एक समय प्रिंसिपल चैंडी टॉट्स कॉलेज, आज हमारे स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता हिंदी में आयोजित की गई है, जिसका कि टॉपिक जूनियर वर्ग में है 14 वर्ष तक के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके पक्ष में और विपक्ष में बच्चों ने बोला है, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। ये टॉपिक आजकल का मेन टॉपिक है जो कि हम स्कूल में भी बच्चों के साथ ये फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चों को ये सोशल मीडिया नो डाउट कि एक बहुत बड़ा बोल है, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इससे, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान बच्चे इसका उठा रहे हैं। इसीलिए हमने ये बच्चों को ये टॉपिक दिया है जिससे कि डिस्कशन होगा और बच्चे इसकी
डाकर साइट को भी देख पाएंगे और उतना ही इस्तेमाल करें जितना कि इनको उसमें फ़ायदा है। तो ये टॉपिक इसलिए रखा गया है जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। दूसरा टॉपिक जो सीनियर ग्रुप में जिसमें कि बच्चे 9 से 12 तक के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो धर्म पर अत्यधिक विश्वास ही अंधविश्वास को जन्म देता है। ये भी आजकल जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग कि धर्म को लेकर जो मिसयूज हो रहा है, तो उसके ही लिए रखा गया है। इसके लिए विवाद प्रतियोगिता जूनियर वर्ग के बाद शुरू की जाएगी और इसमें भी बच्चों ने अपने विचार बहुत अच्छे से प्रकट करने के लिए तैयार। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।